आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पंजाब को दहलाने की कोशिश। फिरोजपुर में AK-47, 3 पिस्टल और 200 गोलियां बरामद। जीरो लाइन के पास पड़ा था बैग। तमिलनाडु में हिंदी थोपने के खिलाफ होगी राज्यव्यापी बैठक। सीएम स्टालिन भी कर चुके हैं विरोध। विपक्षी एकता पर ममता नवीन का मन टटोलेंगे नीतीश। बंगाल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मिलेंगे। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर कसा तंज। बोले महाराष्ट्र ने एक और बड़ी परियोजना गंवा दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। बोले भारतीय नोटों पर होनी चाहिए अंबेडकर की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। छठ के इस त्योहार को पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। बता दें कि छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। छठ का व्रत रखने वाले लोगों ने आज से नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत की है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से छठ पर्व के लिए बसों की संख्या में इजाफा किया गया है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से आगरा, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, दिल्ली से गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक परिवहन निगम ने 2563 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं, त्योहारों के दौरान किसी कोई परेशानी ना हो। आजमगढ़ में बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरोगवा ने बीते मंगलवार समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था। उन्होंने चंदौली में अपने जन संबोधन में कहा था कि असली यादव देश के बाकी अखिलेश के। वहीं उन्होंने आजमगढ़ के सपा विधायकों पर कोई विकास कार्य ना करने का आरोप भी लगाया है। अब उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी सांसद को जवाब देते हुए कहा कि आजमगढ़ में अभी तक जितना विकास हुआ है वह सपा के कार्यकाल में ही हुआ है। सांसद का जो बयान आया है वो बेहद शर्मनाक बयान है और मैं समझता हूं कि जब व्यक्ति सांसद चुन लिया जाए और चुना हुआ प्रतिनिधि हो तो कम से कम उसको सतही बयान देने के बजाय तथ्यों का आकलन कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के यादव समुदाय के लोगों ने पूज्य नेताजी में और जितने भी दलित, वंचित और हाशिए के पे जो समाज था, जो वर्ग था, उसने पूज्य नेताजी को, समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को अपना नेता माना है और वो अंत तक माना। महिला सुरक्षा को लेकर जहां केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो लखीमपुर खीरी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते सरकार के दावे जमीनी स्तर पर धराशाही होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला लखीमपुर खीरी के ईसा नगर थाना इलाके में देखने को मिला है, जहां पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। मामले में परिजन ससुराल पक्ष द्वारा महिला की हत्या कर शव को गायब करने की आशंका जता रहे हैं। वहीं ईसा नगर थाने की पुलिस पर भी मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया जा रहा है। सौराम, मेरी लड़की वीरसिंहपुर ग्राम थाना ईसा नगर में आई गई थी, जिसके 3 बच्चे हैं। उसके बाद में उसे मारते पीटते थे लोग, ससुराल वाले मारते पीटते थे। 25 तारीख को सुबह लगभग 12 बजे किसी अन्य आदमी ने हमें बताया कि आपकी लड़की गायब है। जब वहां पर पहुंचे उसके बाद में हम थाने शिकायत दर्ज करवाने गए। थाना ईसा नगर शिकायत दर्ज करवाने के लिए तब वहाँ पर हमारे आधार पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की, केवल मारपीट के आधार पर की गई, लेकिन एक महीना बीत चुका है, अभी लड़की का कोई पता नहीं चला।
रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बबिया गापुर गांव अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से मजदूरी करके साइकिल से घर जा रहे एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक का चेहरा बुरी तरह से कट गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। रास्ते में जो है इसको किसी ने जानलेवा हमला किया, धारदार हथियार से उसके चेहरे को मारा, गला काटने का प्रयास किया। इसकी सूचना किसी को दिया आपने? हाँ, अभी जो है जिला अस्पताल लेके आए, 112 पे कॉल भी किए हैं और अभी जो है यहाँ जिला अस्पताल में एमरजेंसी में पुलिस रखी है, बयान भी दी है, लेकिन अभी लड़का बोल नहीं पा रहा है। पेशेंट आया जिसके गले पे गाल पे कट का निशान है। हाँ, ये पेशेंट का नाम रतिपाल है, इसको धारदार हथियार से चोट लगा हुआ है, किसी ने मारा है। एग्जैक्टली कहना बड़ा मुश्किल है, बट उसके लेफ्ट साइड गाल में पूरा कटा हुआ है, तो मोस्टली ये धारदार हथियार से इंजरी हुआ इसको। तो अभी पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हुआ है, बाकी जाँच का विषय आगे देखते हैं। लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र मंगेलगंज के फरिया पिपरिया गांव निवासी अधेड़ महिला का नग्न अवस्था में शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं सूचना पर जिले की SP संजीव सुमन, एडिशनल SSP अरुण कुमार सिंह मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। रायबरेली में शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पावर हाउस बेडारू के बगल से जाने वाले नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शव की जांच के दौरान मृतक के आधार मिलने से शव की पहचान हो सकी। आधार के अनुसार दिलीप कुमार मनोधरपुर जनपद बाराबंकी की शक्ल में की गई है। मृतक दिलीप कुमार चकबंदी विभाग में चपरासी था। लाश मिली है नाले में, हमारे यहाँ बॉर्डर का मामला है, बड़ा रोड बॉर्डर है, यहाँ पर एक लाश मिली है, उसी में हम लोग आपको सूचना मिली थी, हम लोग आए। पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी आ गई है और सब लोग भी आ गए हैं ज़्यादातर। कुछ और जानकारी इसके बारे में कैसे क्या हुआ? मालूम चला है कि वहाँ का है, मनोधरपुर का, नाम दिलीप कुमार है इसका, पिताजी का नाम इसके राम है, बताया जा रहा है, यही सब मालूम चला। उसके घर वालों को सूचना शायद हो गई। गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर ने बीमार महिला का इलाज करते समय दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते 26 तारीख की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला ने खरगुपुर थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। खरगुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विश्वनापुर कस्बे में एक चिकित्सक के क्लिनिक पर इलाज कराने आई महिला के साथ चिकित्सक द्वारा दुष्कर्म किया गया तथा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इसके साथ ही इसका वीडियो भी बनाया गया। इस सूचना पर थाना खरगुपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए चिकित्सक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई थाना खरगुपुर द्वारा की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, इलाज के दौरान महिला से डॉक्टर ने दुष्कर्म किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मयूरी जी, बिल्कुल आपको बता दें कि ये मामला खरगुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर ने बीमार महिला का इलाज करते समय दुष्कर्म किया, उसके बाद उसका वीडियो इंटरनेट पे वायरल भी कर दिया। वायरल के पीड़िता ने खरगुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत में डॉक्टर आरोपी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके हिरासत में ले गया। ये हर एक जगह पर झोला छाप डॉक्टर मौजूद है। खबर चलने के बाद भी अधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, कहीं हर जगह कहीं मरीजों के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। हर जगह झोला छाप डॉक्टर है, खबर चल जाती तब भी वो पुलिस उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल, इस पूरे मामले पर डॉक्टर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी मयूरी, बिल्कुल बता दें आपको कि डॉक्टर को
तुरंत हिरासत में लिया गया, उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है, उसको जेल भी भेज दिया गया है। धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। रायबरेली के सलोन कोतवाली में कारहिया चौकी क्षेत्र के बैरमपुर में ट्रैक्टर चालक की रोटावेटर से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। बिजनौर के गज रोड पर तेज रफ्तार दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला और एक युवक शामिल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।